आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हलचलें ज्यादा है क्योंकि यहां पर चुनाव आ गए हैं। हलचलें ज्यादा है क्योंकि यहां पर जिस तरह घटनाक्रम अभी हाल में हुआ है, अतीक और अशरफ वाला में घटनाक्रम इतना बड़ा रहा है कि यहां पर याचिकाएं भी लग गई। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान ले लिया है, क्योंकि यहां पर संज्ञान लेना जरूरी था। घटना ही ऐसी थी और घटना ऐसी थी कि उसमें कोई लाग लपेट भी नहीं हो सकती है। खुलेआम मीडिया के कैमरे पर साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए तीन नौजवान युवक न्यायिक अभिरक्षा में दो कुख्यात अपराधी को खुलेआम गोलियां मारते हैं, और सब मीडिया के कैमरे के सामने हुआ क्योंकि मीडिया कर्मी वहां बाइट लेने गए थे और वीडियो सबने देखा। तो ना कोई लाग लपेट हो सकती है और ना कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, ना सफाई दे सकता है। जो सामने हुआ वो स्पष्ट बता रहा था कि यहां पर गलतियां हुई हैं। सरकार कितना भी कानून व्यवस्था पर अपने पीठ थपथपा ले, सच्चाई सबको पता है। खैर, अतीक अहमद और अशरफ वाला जो मामला है वो तो अब चूंकि चर्चा बना हुआ है, याचिका दाखिल हो गई है। यहां तक कि बिजल तिवारी नामक एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में 17 से अब तक 183 एनकाउंटरों को जांच की मांग कर ली है। यह विषय अलग है। अधिकार सेना और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी मांग कर ली है अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड को लेकर। और आज प्रयागराज कोर्ट में पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को ले जाया गया और उसके बाद वहां पर 4 दिन की रिमांड भी दी गई। यह बात हुई अतीक और अशरफ वाले मामले की। पर इसके अलग निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी है और यहां पर मुख्यमंत्री जहां कल काफी दिनों बाद उन्होंने बयान दिया और उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं, कर्फ्यू नहीं, जनता यहां पर मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर किसी जनपद से किसी खतरा नहीं है, यहां अपराधी वसूली नहीं कर पा रहे हैं और जनता यहां निर्भय है और कानून व्यवस्था का राज है, क्योंकि ना दंगे है ना कर्फ्यू है। खैर, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है और उन्होंने कल यहां पर बयान दिए। खैर, यहां पर इस बयान के अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा विषय है वो यह है कि मुख्यमंत्री अब निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के हिसाब से काम करते नजर आ रहे हैं। अगर हम पहले ही बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी तमाम अगर हम देखें तो मुद्दों पर आगे बढ़कर पार्टी का और अपने पद का एक सही मूल्यांकन किया, सही गर्मा के हिसाब से काम किया और आगे बढ़कर नेतृत्व करते दिखे। चाहे हम समिट की बात करें, वहां भी रोड शो करते खुद नजर आ रहे थे, बैठक भी कर रहे थे और रिकॉर्ड निवेश की वहां पर पटकथा भी उनके द्वारा रची गई 35 लाख करोड़। खैर, यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री बड़े नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में जाएंगे, साथ ही डिप्टी सीएम भी जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। यानी निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ और पूरी मेहनत के साथ यहां उतरती नजर आ रही है और परिणाम वो कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में, इस बार हम 17 नगर निगम जीत रहे हैं। पिछली बार 16 थी, इस बार 17 है, पिछली बार 14 जीती थी, दो हार गए थे बसपा के हाथों, पर इस बार बोल रहा है कि 17 नगर निगम हम जीत रहे हैं और इसमें कोई कोताही नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। पर वही समाजवादी पार्टी भी पूरा दमखम दिखा रही है और इस बार विधानसभा चुनाव की तरह नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव एक गंभीर नेतृत्व की तरह यहाँ पर टिकट वितरण भी किए हैं और यहाँ पर अच्छे चेहरों को भी यहाँ पर उन्होंने वरीयता दी है। खैर, परिणाम 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा। पर जिस तरह से यहाँ पर अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद जिस सारी चर्चा चल रही थी उसके बाद शायद निकाय चुनाव की सरगर्मियों ने उन चर्चाओं को थोड़ा सा दबा दिया है। कहा जा रहा है कि शायद ये हत्याकांड ध्रुवीकरण करेगा, निकाय चुनाव का लाभ मिलेगा। अब ये लाभ मिलेगा नुकसान मिलेगा वो दूर की बात है। फिलहाल मेरा मानना यह है जो उसकी रणनीति बेहतर होगी उसको यहां लाभ मिलेगा, जो मेहनत करेगा संघर्ष करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो जनता के बीच ज्यादा जाएगा उसको यह लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो चुनाव है ये शहरों का चुनाव है, ये गली की सरकार का चुनाव है और बीजेपी कह रही है इस बार ट्रिपल इंजन हमारा सेट होने वाला है, डबल इंजन पहले से और ट्रिपल इंजन। खैर, क्या सेट होगा, क्या परिणाम आएंगे
वो फिलहाल भविष्य घर में नहीं थे। फिलहाल चर्चा विषय पर हम निपटूं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। प्रवक्ता सपा से चंचल कुमार यादव, केसी भाई भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, विनोद सिंह कांग्रेस पार्टी में बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से वीर प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में भाई नाबेद सिकोजी अपनी बात रखेंगे। आप सभी मानो इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा किसी जन से रहेगा, किसी भाई आपको मेरी आवाज आ रही है क्या जी? किसी भाई, किसी भाई जी, निकाय चुनाव की अलग सरगर्मी चल रही है, अतीक हत्याकांड की अलग सरगर्मी चल रही है, उस पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, मानवाधिकार आयोग भी आज संज्ञान ले चुका है, वहां पर भी लगातार सरगर्मी की व्यवस्थाएं चलती नजर आ रही हैं। तो यहीं तक निकाय चुनाव को भी लेकर लगातार यहां पर रणनीति बन रही है और मेहनत दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी अब यहां पर प्रचार करते नजर आएंगे। के पहले भी किया है पर इस बार मुख्यमंत्री फिर आगे बढ़कर यहां नेतृत्व करते नजर आ रहे, कैसे देखेंगे? देखिए गौरव जी, पहली बात तो यह है कि निकाय के चुनाव हो या प्रदेश के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव जी, भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बहुत संजीदगी से लड़ती है। अच्छा। गंभीरता पूर्वक लड़ती है और पूरी तैयारी के साथ लड़ती है जी। देखिए जनता अपना जब जनप्रतिनिधि चुनती है जी, तो उसको बहुत सी उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से होती हैं जी, और नगर निकाय के, नगर निगमों के जो चुनाव हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जी। और अभी आपने बताया जिस प्रकार से कि 16 जो है उसमें से मेयर चुने जाने हैं जी, और तमाम सारे जो प्रतिनिधि चुने जाने हैं उसमें जो सभासद चुने जाने हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को 16 में से जिस प्रकार से इसके पहले 14 जीत जनता ने जीत करके दी 14 सीटें जी, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है अपने काम के आधार पर जनता के बीच में फिर से हम लोग जाएंगे, जनता से अपनी सारी बातें शेयर करेंगे और वोट की अपील जो करेंगे वो काम के आधार पर करेंगे कि अब तक हमने क्या काम किया है और आगे अगर चुनाव जीत करके कानून व्यवस्था क्या कहेंगे, तो क्या काम करेंगे कानून व्यवस्था पे, क्या कहेंगे अतिकांड? देखिए कानून व्यवस्था जिस प्रकार से जितनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, देखिए कहने को कोई कुछ भी कहे लेकिन देख रहे हैं कहेंगे क्या, देख रहे हैं खुलेआम हुआ है उसमें कहना क्या बाकी किसी भाई? नहीं देखिए हो सकता है एक आध घटनाओं से पूरी कानून व्यवस्था की तुलना नहीं की जा सकती, तुलना तो सारी घटनाओं से की जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही समाजवादी पार्टी सरकार में जो अपराधी एक एक दो दो लाख के अपराधी जो थे 5 साल तक ये ढूंढे नहीं पा रहे थे। अच्छा। आजम खान की बहस जरूर ढूंढे मिल जाती थी लेकिन अपराधी इनको ढूंढे नहीं मिलते थे, और जिसकी आप बात कर रहे हैं इन्हीं इन्हीं दुर्दांत अपराधियों का जब इनकाउंटर हुआ इसी विपक्ष ने सवाल खड़े किए, सवाल के घेरे में सरकार को लेने का प्रयास किया, यही विकास दुबे उसको बताया ब्राह्मण है, वही जब अतीक का बेटा जब पुलिस राजू पाल की हत्या, उमेश पाल की हत्या के बाद जी, अतीक का बेटा 50 दिन तक फरार रहता है। अच्छा। 50 दिन के बाद जब पुलिस से उसकी मुठभेड़ होती है, पुलिस कहती सरेंडर कर दो और वो सरेंडर नहीं करता है और पुलिस की जवाबी फायरिंग में जब वो मारा जाता है भी समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा करती है। और रही बात जो आपने अतीक और अशरफ की अगर बात करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए बड़े स्तर की जांच कमेटी बैठी है और साथ ही साथ सारे की सारे वो पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में लगे थे उनको सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ प्रयागराज के कई सारे अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है, जांच चल रही है, जांच पे चीजें सामने आएंगी, लेकिन जो भी डॉन है, जो भी माफिया है उसका तमाम बार इस तरीके की आपसी टकराव में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और जब अतीक अहमद डॉन बना तो इसने भी चांद बाबा की हत्या करके डॉन बना था, तो माफियाओं को तो यही हश्र होता आया है कभी आपसी गैंगवार में और कभी पुलिस को चैलेंज करने पे। तो देखिए बात ये नहीं है कि आप एक घटना से सारी चीजें का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है और अपराधियों के अंदर भय व्याप्त है, आप देख रहे हैं कि कई सारे अपराधी एक जेल से दूसरी जेल नहीं जाना चाहते। अच्छा। कई सारे अपराधी अपने आप को सरेंडर करके स्वयं कहते हैं हमें गिरफ्तार कर लो, जेल क्यों भेजेंगे भाई, मार दिया जेल क्यों जाएंगे, गाड़ी पकड़ी जाए, डर रहता है लोगों को तो जेल क्यों जाएंगे? वही बात तो है ना जी।
वो दुर्दांत अपराधी, अभी हमने आपसे इसीलिए विकास दुबे का नाम लिया, जिसने 8-8 पुलिस कर्मियों को मार दिया, उसके प्रति संवेदना विपक्ष की है। क्यों विपक्ष की संवेदना उसके प्रति है? जिसने 8-8 पुलिस कर्मियों को मार दिया, जिसमें 4 ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, यानी अपराधी है वो ब्राह्मण है, और पुलिस कर्मी जो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, वो ब्राह्मण नहीं है। तब लाइन ऑर्डर कहा था जब जियाउल हक जैसे लोगों को पीट पीट करके मार दिया जाता था जी। तब लाइन ऑर्डर कहा? अरे सपा ने थोड़ा पूछा, मैं पूछ रहा हूँ, सपा ने कहा पूछ लिया, सपा को आप रेलना शुरू कर दिए क्या? ठीक है किसी भाई, आपकी बात ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर अपने काम के दम पे जाएंगे, पर जिस तरह घटना हुई है कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा काम होना बाकी है, इसको मानते हैं नहीं मानते हैं अभी? देखिए जो घटना हुई है, पहली बात तो एक दुर्दांत अपराधी को दूसरे अपराधी ने हत्या की है, और पुलिस पूरी मुस्तैद थी, जो 17 पुलिस कर्मी थे उनकी संख्या भी कम नहीं थी, फिर भी 20 सेकंड के अंदर जिस तरीके से सरेंडर किया तो पकड़ा नहीं, उसके बाद में भी वही चीज मैं कह रहा हूँ, उसके बाद वो लोग सरेंडर कर देते हैं, और उसके बाद सवाल उठता है कि पुलिस ने फायरिंग क्यों नहीं की? अगर 20 सेकंड के अंदर वो लेट जाते हैं और त्राहिमान करते हुए अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो पुलिस गोली चलाती तो किसके ऊपर चलाती? अच्छा बिल्कुल सही, अगर वो भाग रहे होते तब तो पुलिस गोली चलाती पकड़ने के लिए। जब उन्होंने 20 सेकंड के अंदर 15 से 20 सेकंड में घटना को अंजाम देने के बाद सरेंडर कर दिया, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया गया है, 14 दिन की रिमांड पे भी आ गए, पूछताछ चल रही, किसने भेजा, कौन चाहता था कि अतीक का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए, चीजें बाहर ना आए, कौन चाहता था कि अशरफ का मुंह बंद हो जाए जिनसे उनकी मिली भगत थी, नहीं चाहे। देखिये दोनों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, और आज नहीं कल जितने बड़े दुर्दांत अपराधी थे अभी तो सिर्फ अपहरण के मामले में इनको उम्र कैद की सजा हुई थी, और अभी हत्या लूट डकैती के जो 100 के आसपास जो मुकदमे हैं उसमें 100% फांसी होनी थी। तो ऐसे में ऐसे दुर्दांत अपराधी का मुंह कौन बंद करना चाहता था? कौन चाहता था कि ये फांसी ना चढ़े बल्कि इसका मुंह बंद हो जाए? इसकी भी जांच होगी, इसे फिर से भी जांच होगी। हमारे साल में मुंह बंद नहीं कर पाया, ठीक है अब जो भी हुआ खैर सबके सामने है। चंचल भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह यहाँ चर्चा चल रही, रणनीति भी यहाँ बहुत बेहतर चल रही है, और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी यहाँ सुनने में आ रहा है कि सभी नगर निगमों में जाएंगे, नगर पालिका में जाएंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा कोई प्लानिंग है क्या आगे बढ़कर नेतृत्व करने का? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात का अखिलेश यादव तो अभी मध्यप्रदेश होकर आए हैं, तब चुनाव उत्तर प्रदेश में है, मध्यप्रदेश गए थे, खैर उनका वो अपना कार्यक्रम है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर रणनीति क्या है अब? जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, किस तरीके से बातों को माना जानते हैं, किस तरीके से झूठ बोलना जानते हैं, किस तरीके से लोग गुमराह करना जानते हैं, अच्छा किस तरीके से जनता को मिसगाइड करती हैं ये लोग जी। ये बता रहे हैं कि हमारी पुलिस मुस्तैद थी जी। आप सोचिए, मैं गौरव भाई एक घटना बताता हूँ, 1995 घटना उसी प्रयागराज में घटना हुई थी, और बकायदा कल हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स में सब में निकला था जी। जो अपराधी था अख्तर नाम था उसका, और एक पुलिस वाला था नाहर सिंह यादव, जो हथकड़ी पहना करके मतलब वो लेकर के चल रहा था, और उसके ऊपर सूटरों ने हमला कर, 4 लोग थे जी, 4 सूटरों ने हमला कर दिया, और एक अकेले उस पुलिस वाले ने, नाहर सिंह यादव ने, वो चारों का नाम, चारों जो है सूटर थे, चारों सूटरों को मार गिराया, चारों मार दिया। और सोचिए मुस्तैदी की बात कर रही है, और इनकी 17 पुलिस थी, और जिस अतीक अहमद और अशरफ को लेकर के, मतलब सोचिए इतनी बड़ी बड़ी बयान, इतनी बड़ी बड़े बड़े काफिले कवर कर रही थी, पूरी स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही थी, मतलब उसको समझिए कि रास्ते में क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कब पानी पी रहा है, कब क्या कर रहा है, सारी के सारी चीजों को कवर कर रहे थे जी। और सोचिए 17 पुलिस वालों को ये हमारे जैन साहब ना जाने क्या मतलब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े मुस्तैद थे हमारे पुलिस वाले। अरे भाई मेरे 17 पुलिस वाले थे, 3 बंदे आते हैं और पूरा काम तमाम करके और कहते हैं हाथ खड़े करते सरेंडर सरेंडर सरेंडर, अच्छा। तब जाके आपकी पुलिस पकड़ नहीं पाती उसके बाद भी, अच्छा, अच्छा। ये नाटक भाई साहब ना, जनता सब समझ गई, सब खेल समझ गए ये लोग, अच्छा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, अच्छा। क्या मजाक बना के रख दिया आपने पूरे प्रदेश को? लीजिए आज इस देश में थू थू हो रही है। आप बताओ अभी उन्नाव के अंदर एक घटना हुई है, आपने देखा होगा, एक गैंग रेप पीड़ित महिला को सरेआम से घर जला दिया गया, 2 बच्चे जल गए, अस्पताल भर्ती हैं, उसकी माता और उसकी पत्नी जल गई, और आप कह रहे हैं कि थर थर कांप रहे अपराधी। अरे सर मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कम से कम ये लफाजी और जुमलेबाजी पेश करते हो आप टीवी बैठ करके, ये सोचना चाहिए आपको कम। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लो, आप भी आप उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ में 1 हो, आप NHRC की सबसे ज्यादा नोटिस किसी उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही है, यहाँ की सरकार को मिल रही है। आप देखें अगर
महिला अपराध में नंबर वन हम है। आप अगर देखें तो पूरे प्रदेश में जो संगठित अपराध की आप बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा जिला नहीं है मित्र जैन साहब, आप मुझे बताओ जहां पे संगठित अपराध नहीं हो रहे हो। और कौन सा ऐसे जिले की पुलिस है, सुनिए, कौन सा ऐसे जिले की पुलिस है, मैं तो कहता हूँ आपने लिस्ट जाहिर की है, सुनिए जैन भाई, गलत बात है। अरे क्या कांप रहे हैं, क्या कांप रहे हैं, सुनिए पहले मेरी बात को, मैं सुन रहा था शांतिपूर्वक आपकी बात, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, सुनिए, सुन लीजिए, ज्यादा चिल्लाना जानता हूँ मैं, सुन लीजिए मेरी बात, कैसे सुन लीजिए, पहले बात सुनिए, पुलिस पिट के नहीं आती है, लीजिए यहाँ पिट के नहीं आई, क्या हुआ, वो हुआ क्या, इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण बताया अभी, एक नौजवान अकेले चार शूटरों को मार गिराया, जब उस समय अत्याधुनिक हथियार भी नहीं थे पुलिस वालों के पास, और आज के समय की बात आप कर रहे हैं। दूसरी चीज आप मुझे बताइए जैन भाई, सुनिए जैन भाई, भड़क रहे हैं, अभी तो बहुत सारी बातें हैं, आप मुझे बताओ आज के समय में जी 9 साल हो गया सरकार को, केंद्र सरकार को जी, 6 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को, और हम तो यहाँ बैठे हैं लखनऊ में भाई साहब, ट्रिपल इंजन है जी, अधिकतर नगरों में, नगर निगमों में आपके ट्रिपल इंजन है जी। आप मुझे बताओ जैन भाई, एक काम कोई लखनऊ के अंदर बता दो आप मुझे, 6 साल के अंदर में एक कोई नॉट सिंगल वर्क, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र बता दो आप, कोई एक रोड बनाई हुआ आपने, लेकिन झांसे और जुमलेवादी कलम आप कुछ नहीं पेश कर पाते हो, मेरी बात सुनिए ना, मैंने बोला एक क्षेत्र बताओ, केवल एक क्षेत्र बताओ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लो भैया, सुन लो भैया, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, गौरव भाई बड़ी ईमानदारी से बताना, पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारे भाई बैठे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आप मुझे बताओ मौसी से मुंशी पुलिया तक मेट्रो के आगे आपने कौन से स्टेशन बनाए हैं, मुझे बता दीजिए, एक स्टेशन नाम बता दो, एक स्टेशन का नाम बता दो आप, राजनीति छोड़ दो, क्या बात कर रहे हैं आप, ये झूठ नहीं चलेगा, जनता सब जान रही है आपको, और जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, और सुन लीजिए जैन भाई मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन रहा था भाई, नोट कर लो मेरे सवाल, बोलना अभी, यही तो बात है, झूठ बोलना इसलिए बीच में बोलोगे आप, नोट कर लो जवाब देना, नोट कर लो जवाब, भाई बारी बारी बोलिए, बारी बारी नोट करिए, जैन साहब भाई नोट करिए, जवाब दीजिए, किसी भाई रुक जाइए, जवाब दीजिए, सुनिए जवाब दीजिएगा, आप नोट करिए, समय हो रहा है जैन भाई, आपके देखिए क्या बात कर रहे हो यार, आप नोट तो करो, किसी भाई 2 मिनट रुक जाइए, 500 रुपए, किसी भाई, अरे 1200 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 400 सिलेंडर 1200 मिल रहा है, वही आप बताना चाह रहे हो, सुन लो आप, एक मिनट सुन लीजिए, रोजगार मेरे सवाल नोट कर लो आप, 500 रुपए सवाल ले रहे हैं भाई, सवाल नोट करो आप, सवाल नहीं दे पाओगे, मैं चैलेंज करता हूं, जल्दी पूछिए, मेरा सवाल ये है, मुझे आप बताओ क्या आपके घर में गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता है, पहला सवाल, और क्या भाभी आपको डांटती नहीं, तो क्या घर में डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या घर में डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती, मुझे बताओ, पहली बात, दूसरी बात, दूसरा सवाल नोट करो आप, बोलो नहीं बीच में आप, सवाल नोट करो आप, क्या जो 400 का गैस सिलेंडर 14 में मिलता था आज 1200 मिलता है कि नहीं मिलता है, दूसरा सवाल है डीजल पेट्रोल के दाम में बात कर लो आप, तीसरा सवाल है जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात होती थी आज आप पकौड़ा तलने को रोजगार दे रहे हो, चौथा सवाल मेरा 100 दिन के अंदर काला धन की बात करते थे आप, आज मुझे बताओ 100 दिन के अंदर काला धन की बात करते थे, काला धन आप क्या बात करते हो, आज समय काला धन डबल ट्रिपल हो गया विदेशों में, चौथी बात आप मेरी नोट कर लो आप, चौथी बात नहीं नोट कर लो आप, आदर्श ग्राम इसी लखनऊ के अंदर बैठा हूँ, दूर मत जाओ, समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए फिर वही बात, चले हो आप सुनो पहले तो जी, इसीलिए बाकी मेहमान भी, बाकी मेहमान भी, झूठ बोलते हैं बाकी मेहमान भी, ठीक है मुझे बता दीजिए ना, 30 सेकंड आप मुझे बता दो, क्या हम लोग जो है रक्षा मंत्री के लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं, आदर्श गांव का नाम बता दो, कौन सा आदर्श गांव है, इसी लखनऊ के अंदर स्मार्ट शहर है, मुझे बता दो आपने क्या काम किया स्मार्ट शहर को लेकर के, मैं चैलेंज करता हूँ, एक जवाब नहीं दे पाओगे आप बताओ, आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए नहीं दिखाई देगा, अरे बताओ ना, मैं चला जाऊंगा लखनऊ बैठा हूं भाई, सरकार है, अरे आपको आप बताओ कौन सा काम किया, दिखाई देते थे आज तारों के जाल नहीं दिखाई दे रहे, फिर जुमलेबाजी, झांसेबाजी, नालों में बच्चे, आज खुले, अरे काम बताओ, काम 400 रुपए का गैस सिलेंडर था कि नहीं था, आज 1200 में क्यों मिल रहा है, सवाल ये मेरा, जुमलेबाजी नहीं चलने दूंगा मैं एकदम साफ एकदम बात करता हूँ, आप मुझे बताओ डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है कि नहीं आती है, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ
जो है आज 2 करोड़ रोजगार की बात होती थी, उसका जवाब दो आप मुझे, आदर्श गांव का जवाब दो आप मुझे, चले हो गया, काला धन का जवाब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, विनोद सिंह बोलेंगे, विनोद सिंह बोलेंगे, जो करोड़ों रुपए कितने अधिकारी आपके जेल गए, चलिए विनोद सिंह बोलेंगे, अधिकारी जेल गए, चलो ठीक है, ठीक है, कैसी भाई डिबेट साहब, प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए केसी भाई प्लीज, जुमलेबाजी कोई नहीं, केसी भाई प्लीज, हो गया केसी भाई प्लीज, सुन लीजिए, हाँ भाई, जिस अंदाज में, जिस गैर जिम्मेदारी से और जिस वेग में अपनी बात कह रहे हैं, कहानी कह रहे हैं, तो ये बताती है भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति, जिम्मेदारी, संविधान में आस्था, ये दर्शाती है जो इनका आज का व्यवहार है जी। क्योंकि इस देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम है, कोई जवाबदेही उसकी नहीं है जी। और कानून, पुलिस, संविधान में आस्था रखने वाले का, जो एक आम शहरी को सुरक्षा का वातावरण देने का जो एतबार होता है, वो ऐसी दर्जनों घटनाएं सरकार के संरक्षण में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पोषित और बाद में कहीं ना कहीं सरकार के राजनीतिक एजेंडे को प्रमाणित करती हैं जी। ये अब उसमें देखिए, इस प्रकार की घटना पूरी तरीके से किसी प्रदेश के लिए, किसी सरकार के लिए जो संविधान में आस्था रखती है, उसके मुखिया के लिए कम से कम ऐसी, अगर ये जरा भी जिम्मेदार होते तो इतनी गैर जिम्मेदारी से बात ना करते। अच्छा। ये इनके पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है जी। कोर्ट की कस्टडी में जी। एक विचाराधीन कैदी की इस वातावरण में, इस पृष्ठभूमि में जिस प्रकार की ये घटनाएं होती हैं, तो ये बताती हैं कि ये जंगल राज है। जंगल राज का इससे जीवंत, इससे बेहतर नमूना नहीं कोई बता सकता है। लेकिन खैर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई, सत्ता में हैं। अच्छा। सवाल आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा। सारे साक्ष्य किनारे, सारी संविधान की बात किनारे, सारी पुलिस सरकार की, उससे जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी पर आप बात कैसे कर सकते हैं? आपका साहस कैसे होगा? अभी मैं ज्यादा बोल दूंगा तो किसी जन जी धमकाने लगेंगे, कहीं अपने अधिकारी से फोन कराने लगेंगे। तो सवाल ये है, लेकिन अंततः देखिए, अंततः जो भारत का, उत्तर प्रदेश का विशेषकर स्पिरिट है, वो कानून में आस्था का है। अच्छा। वो निडर और निर्भय लोग हैं। अच्छा। इनके इस दबाव की राजनीति से, इनके इस गोली मारने की राजनीति से, इनके इस गाली की राजनीति से डरने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि सत्ता में है, अभी सत्ता की चाबी इनके पास है, तो ये अपना कुछ भी कर सकते हैं। रही बात ये संविधान के प्रति कितने सचेत हैं, जागरूक हैं और जिम्मेदार हैं, ये तो सतपाल मलिक जी ने प्रमाणित तौर से बड़ी गंभीर बातें, आरोप लगाए पूरे प्रधानमंत्री से लेके पूरी पार्टी के ऊपर, तो वो भी एक विषय है। अगर उस पर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, केसी जैन की या उनकी पार्टी के किसी भी स्वयंभू चाणक्य के पास उनके सवालों का जवाब हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दें। ये बताती है सरकार की सोच, चूंकि लेकिन सरकार में तो सवाल तो इनका कर, ये विपक्ष से सवाल करेंगे, ये मीडिया कर्मियों से सवाल करेंगे, ये घटनाओं को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। क्योंकि पूरी मशीनरी, हुआ क्या है गौरव जी, केसी जैन जी एक भी 5% भी ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी गुंजाइश है कानून व्यवस्था के मामले में, या मशीनीकरण को सुधार करने के मामले में, या जवाबदेही के मामले में, जहां पर इनकी सरकार को काम करने की आवश्यकता है। अच्छा। बेहतर करने की आवश्यकता है। भले जितने सारे इंडेक्स हैं, भले जितने संविधान के माननीय जजों के बड़ी ठोस सख्त टिप्पणियां हैं कानून के अनुपालन को लेके, लेकिन उस सबको धता बताते हुए, किनारे बताते हुए, इनको खुद को क्लीन चिट देनी है। भले भले वो पुलवामा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, आज निकल आया तत्कालीन गवर्नर साहब का, भले गोवा की बात हो, भले जितने भी इनके सिस्टम के ही लोग। अच्छा। क्योंकि अंत में भारत का जो मिजाज है ना, वो सच्चाई का, सत्य प्रेमी का है, निर्भीकता का मिजाज है, तो लोग आएंगे। लेकिन सवाल है, ऐसी घटनाएं हर उस आम शहरी को, कानून में आस्थावान व्यक्ति को, आम शहरी को कहीं ना कहीं अपमानित और कलंकित करने का काम करती है। केसी जैन भाई साहब से मैं ये उम्मीद करता हूं, ये थोड़ा संवेदनशील बने, ये क्रोध प्रतिशोध की राजनीति में इन्होंने अपने अंदर की अच्छी भावनाओं को क्यों दबा रखा है। अच्छा। कम से कम आप अपने पार्टी वालों की तरह मत हो जाइए, कम से कम आज आम उत्तर प्रदेश वासी की आवाज बनने का काम करिए, और छोड़ दीजिए ऐसी पार्टी। अच्छा। छोड़ दीजिए ऐसी नकली विचारधारा, छोड़ दीजिए ऐसी हिंसा की बात करने वाली बात को, डायलॉग को, नेता को, और आप भी विरोध आइए, उत्तर प्रदेश को बचाना है,
देश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, कम से कम ये ना कर पाइए तो जहां पर आ चुकी पहुंच है आपकी पांच कालिदास मार्ग तक, भाजपा में शीर्ष नेताओं तक, तो ईमानदारी से, साफ गोही से आम लोगों की बात करिए, चिकनी चुपड़ी बात मत करिए, स्वयं को क्लीन चिट, सेल्फ क्लीन चिट वाली बात से निकल आइए। केसी जैन जी, कम से कम आप अपने मानव होने का और संविधान में आस्था रखने वाले व्यक्ति का नजीर पेश करिए, उदाहरण पेश करिए, इतना ही कहना है। लेकिन मैं अंत में कहूंगा, चूंकि सरकार में है ये मानेंगे नहीं, चूंकि सरकार में। गौरव जी देखिए, जब जियाउल हक जैसे लोगों की पीट पीट की हत्या हो जाती है तब उसमें जनता सुरक्षित हो जाती है। अच्छा, जिस समय पत्रकार की जिंदा फूंक दिया जाता है और उसका स्टेटमेंट होता है कि फला मंत्री ने हमको जिंदा फूंकवा दिया इस बात की वजह से, तब क्या होता है, तब संविधान जिंदा हो जाता है, तब जनता को पुलिस पर और शासन पर भरोसा हो जाता है। जिस समय गोरखपुर में तड़के 2 बजे एक व्यवसायी से पुलिस जब वसूली करने के जाती है और बूटों से मारती है, उसकी हत्या हो जाती, तब कानून जिंदा हो जाता है। यह मुख्यमंत्री के गृह जनपद का हाल है। गलत बात, लखनऊ में जब एक एप्पल के अधिकारी के साथ पुलिस वाले सवाल है, पुलिस किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ये सबसे बड़ी चिंता है। तो पुलिस वालों की जब 100 और उन पर जवाब नहीं दिया जाते हैं, में पुष्पेंद्र यादव हत्या कांड आपको याद होगा, 100 पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं, तब आपको बड़ा आनंद आता है, न्याय ना मिलने की समाजवादी पार्टी को बड़ा आनंद आता है, जितेंद्र यादव जी ट्रेनर गाजियाबाद आपको याद होगा, फर्जी एनकाउंटर, क्योंकि 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे समाजवादी पार्टी सरकार में, तब जनता को भरोसा हो गया था पुलिस पे, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले मारे जा रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी, लेकिन आज अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जा रहा है तो जनता के अंदर काहे का भय, जनता खुश है कि जनता ना खुश है, और इसका जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया। तो आप बताओ, जैन साहब, एक बात बताओ, अपराधी मारे, एक बात बताओ, मैं तो कहता हूँ, अतीक अहमद कौन सी जेल में बंद था, अतीक अहमद कौन सी जेल में बंद था, चलिए हो गया, अहमदाबाद की जेल में बंद था, अहमदाबाद में आपकी सरकार की टिकरी थी, और जेल के अंदर से इतना हो गया, फिर कैसे बोलेंगे, अहमदाबाद की बंद है, हो गया हो गया हो गया, बाकी में मान लिया भाई, बाकी में मान बैठी का हो गया, और ऐसे दुर्दांत अपराधी केसी भाई हो गया, ऐसे दुर्दांत अपराधी को जीने का हक नहीं है केसी भाई, जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चला, ठीक है, पुलिस कर्मी जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे पुलिस कर्मी, पुलिस आज की पुलिस ने सब जवाब दे, सब बता दे रही है, जनता अब देखिए, आप बताइए, एक्सप्रेशन मत दीजिए, चूड़ियां पहन रखी थी, चले ठीक है, बल्कि उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी थी समाजवादी सरकार ने, चलिए आज आज उनके हाथ में, चलिए हो गया, आपकी बात तो सुनकर चलो ठीक है, केसी भाई हो गया, केसी भाई हो गया, मारने का मतलब बोलेंगे, ठीक है, जनता भाई हो गया, मारना चाहिए, केसी भाई कर रहे हैं, देख भाई आप भी कह रहा है, आपकी रणनीति है कि यहाँ पर तो आपके सुन रहे थे कि शायद दरार पड़ने वाली है, उसके बड़ा तो बागपत पर यहाँ पर शायद कुछ मलम लगा दिया गया था, चर्चाएं चल रही थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चर्चाएं चल रही थी कि शायद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में टकराव हो गया था, और उसके बाद बड़ा तो बागपत सीट पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, उसके साथ लगा कि नहीं सलामत रहेगा ये दोस्ताना हमारा, चर्चाएं चल रही थी, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था। बेर भाई आपकी क्या राय है इस पूरे हत्याकांड पे, आपको बैठ भी चुके हैं इसके पहले, पर रणनीति अब क्या होने वाली निकाय चुनाव के लिए, क्योंकि ये अब मुद्दा लगातार चलता रहेगा, ये मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान ले चुका है, पर निकाय चुनाव भी, मैरपुर चुनाव है, शहर का चुनाव है, इसको लेकर आरएलडी क्या रणनीति है जी? देखिए गौरव जी, जी हम और समाजवादी पार्टी दोनों लोग साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है जी, जैसा कुछ ट्रेंड आप कह रहे हैं कि उस पर चल रहा था ट्विटर के ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने आपस में बैठ करके और ये सब तय हो गया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और जिस तरीके की रणनीति चुनाव में होती है उस तरीके की रणनीति के तहत हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग मिलकर सभी नगर निगम क्षेत्रों में जाएंगे और जनपदवार दौरा करेंगे। अच्छा अच्छा, हमारे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा अच्छा, और इस चुनाव में हम एक एक जनसभा में प्रत्येक व्यक्ति को ये बताने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, अतीक अहमद अशरफ कितने बड़े अपराधी थे ये विषय नहीं है, उनके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे थे ये विषय नहीं है, विषय ये है
कि वो पुलिस अभिरक्षा में थे, अदालत ने उन्हें सौंपा था कि आप इनको ले जाइए पूछताछ करके इनको सुरक्षित लाइए, पुलिस उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाई। प्रदेश में अगर सरकार ये कह रही है कि हम अपराधियों को समाप्त कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उनका कहना जी जी मेरे भाई नियंत्रण करने का सरकार दावा कर रही है, तो क्या सरकार नए अपराधियों को पैदा होने से रोक पा रही है? और केसी जैन के पास केवल एक ही बात है कि ये घूम फिर के जब कानून व्यवस्था की आप बात करेंगे तो ये पिछली सरकार के ऊपर उसका मामला थोपने लग जाएंगे। अच्छा, इनकी हत्या उनकी हत्या उनकी हत्या तो वो भी होगी ना, नहीं होगी क्या? वर्तमान सरकार में एनकाउंटर अपराधियों का हुआ। अच्छा, क्या इसके पहले किसी सरकार में अपराधियों का एनकाउंटर नहीं हुआ है क्या? अच्छा, क्या सारे अपराधी, अरे अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जांच की मांग तो आप लोग कर रहे थे कि असद के एनकाउंटर जांच की मांग कर लीजिए। किसकी जांच की मांग? अरे असद के एनकाउंटर की जांच की मांग तो आप ही लोग विपक्ष कर रहा था ना, नहीं कर रहा था क्या? असद के एनकाउंटर की जांच राजनीतिकरण जब सरकार करेगी इनकाउंटर का, अच्छा, तो विपक्ष उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करेगा? अच्छा, आप ये भी तो सोचो कि एक इनकाउंटर करने के बाद 24 घंटे उसी की चर्चा जब होगी तो विपक्ष क्या ये बात नहीं कहेगा प्रत्येक इनकाउंटर की विपक्ष को बहुत पीड़ा है, होती है ये हमारे समाजवादी पार्टी आरएलडी को बहुत पीड़ा है। ये बात कह दी कि अतीत को लेकर के बहुत पीड़ा है, गुनाह क्या कर दिया विपक्ष ने, असद को लेकर के बहुत पीड़ा है, लेकिन उमेश पाल को लेकर के पीड़ा नहीं है। उमेश पाल के घर कोई मिले नहीं क्या? वो अधिवक्ता था, हाई कोर्ट का अधिवक्ता था, गवाह था, दोनों गनर से ना, दोनों गनरों के घर चले हो गया, नाबिर भाई बोलेंगे, चले हो गया नाबिर भाई बोलेंगे, चलिए, लेकिन पीड़ा किसकी है? पीड़ा सबको है, चलो। अतीत कैसे मार दिया जी, गया जी। लेकिन दो दो गनर जो मारे गए जो नौकरी कर रहे थे, हाँ। सरकारी गनर थे, बिल्कुल, उनके लिए पीड़ा नहीं है समाजवादी पार्टी के अंदर, क्योंकि ये चाहते पुलिस वाले मारे जाए, पुलिस वाले मारे जाए, समाजवादी पार्टी के लोग जश्न मनाते हैं, किसी भाई अपनी अपने चरण में बोलिएगा, ठीक है? भेद भाई हो गया, भेद भाई, भेद भाई किसी भाई हो गया, काम कर रहे हो, पुलिस से डर तो लगेगा, वही पुलिस से गोली चलाएगी डर तो लगेगा, ठीक है? आवाज़ आरोप बढ़ते हैं कि किसी भाई प्लीज, भेद भाई हो गया, अब नाबेद भाई बोलेंगे, ठीक है? हो गया किसी भाई, हो गया अपने टर्न में बोले, पूरा मौका दूंगा, अब आप सप्ताह में जवाब आपको ही देना है, ठीक है? भेद भाई हो गया, अब नाबेद से बोल रहे बोलेंगे, ठीक है? आवाज़ नहीं निकली, आवाज़ नहीं निकली, हमारी विधायक को रखे गई थी उमेश, आवाज़ नहीं निकली, हमारे जिले के पूरे नेता गए थे वहाँ पे, ठीक है? बात कर रहे हैं आप, पूरे हमारे जिले के नेता गए थे, पूरे प्रदेश के नेता गए थे, झूठ बोलते हो आप लोग, ठीक है? ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, केसी भाई, केसी भाई ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी, क्या बात है? चले हो गया, भेल भाई, इन लोगों की आवाज़ धीमी की जाए भाई, डिबेट है, ये प्राइवेट पे डिबेट सदन नहीं है, ये सदन नहीं है, सदन नहीं है भाई, ये प्राइवेट पे डिबेट है, सदन नहीं है, नाबिल भाई आपका टर्न है, नाबिल भाई, नाबिल जी, भेल भाई आप सुन लीजिए, भेल भाई प्लीज, भेल भाई आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, भेल प्रधान मिश्रा, भेल प्रधान मिश्रा जी प्लीज, किसी भाई प्लीज, अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा, ठीक है, पुलिस जवाबी, किसी भाई हो गया, आपको टर्न दूंगा, जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना, ठीक है? नाबिल भाई बोले, नाबिल भाई आपको पूरा घटनाक्रम पता है और निकाय चुनाव सामने है, आपके हिसाब से क्या नीति यहाँ पर जिस तरह चल रही है, भाजपा लगातार यहाँ पर रणनीति बनाती नजर आ रही है, मुख्यमंत्री स्वयं जाने वाले हैं, और यहाँ पर जिस तरह सपा की रणनीति में क्या कहेंगे, आपका क्या दृष्टिकोण है इस पूरे घटनाक्रम में? जी, समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के जी, 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 जिस तरीके से कांग्रेस और बसपा की सक्रियता उसकी तरह नहीं नजर आ रही जिस तरह नजर आना चाहिए। दूसरी बात ये कि निकाय चुनाव में आमतौर से सभासद लेवल के जो थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए सभासद के लिए जो प्रत्याशी पार्टी से बल का उसमें कोई खास फायदे नहीं होता, नागरिक आवाज बढ़ाई जाए जी, लेकिन जो महापौर की लड़ाई होती है
उसमें पार्टी सिंबल का बड़ा मतलब होता है जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लड़ रही है, ये तो स्थानीय मुद्दों का होता है, सड़क नागरिक खर्चा बिजली पानी इसके ऊपर होता है जी। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ये राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा चुनाव को सामने राष्ट्रीय खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो की सरकार का बताया जाता है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, सब लोग सुरक्षित है, ठीक है, चुनाव में भी रखा जाएगा, भले ही स्थानीय चुनाव लॉ एंड ऑर्डर आएगा। जब लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो ये जो अतीत वाला पूरा घटनाक्रम है इसको दोनों दल सामने लेंगे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इसको भुलाने की कोशिश करेगी। वो ये बताएगी कि हम माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, वो ये बताएगी कि किस तरीके से हम ने जो है अतीत अहमद जैसे इतने बड़े ग्रोह वो हमने ये साबित कर दिया और दूसरी तरफ जो विपक्षी है वो इस बात को जरूर बताएंगे कि वो ठीक कि जो तमाम घटनाएं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रदेश में इतना ज्यादा क्यों है, इतनी खराब कानून व्यवस्था क्यों है। अभी आपने जिक्र किया पुलिस वालों के हमले हो रहे हैं, माफियाओं की सुरक्षा जिस तरीके से हमला किया है माफिया के ऊपर, हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है, इस बात के लिए खुश है। किसी होने पर भी प्रदेश की जनता को मिली, लेकिन जिस तरीके से तीन लड़के विदेशी गनों के साथ विदेशी पिस्टल के साथ में 10-10 लाख की पिस्टल के साथ में इस तरीके से कानून को चुनौती देते हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का है कि आपने किस तरीके से ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सवाल इस बात का है कि यदि एक अपराधी खत्म होता है तो तीन अपराधी किस तरीके से प्रकट हो जाते हैं, और वो मामूली लड़के नहीं है, जिस तरह के उनके पिस्टल है बताए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत का उनके साथ हाथ है, कहीं ना कहीं विदेश से उनका कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक है। उसका जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, उसका जवाब देना पड़ेगा योगी सरकार को, उस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना बड़ा दुस्साहस कैसे होता है, इतनी सब कुछ होने के बाद कैसे होते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़कियों के जो आज की घटना है कि घर तक जला दिया गया जी। इतना सब कुछ होने के बाद विकास दुबे कांड वाले में इतने पुलिस कर्मियों को शहीद कर दिया जाता है, इतनी शक्ति होने के बाद भी किसान आंदोलन में किसानों को गाड़ी से लौटा दिया जाता है, आखिर आपका निजाम क्या है। ठीक है, हम भी तारीफ करते हैं, प्रदेश के हर आदमी तारीफ करता है कि योगी सरकार की जो एक इच्छा शक्ति है, जो उनका अपना काम करने का तरीका है, उसका स्वागत है। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, ये सच है, ये भी सच है कि दंगे से मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से शक्ति के बावजूद भी एक नया किस्म का क्राइम उभर के आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि विपक्ष के सवालों में मुझे लगता है कि अगर निष्पक्षता से कार्रवाई हो, अगर उन लड़कों के घरों को भी खोदा जाता जिस तरीके से कुछ पत्थरबाजों ने लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी और एक प्रदर्शन में पत्थरबाजी की कुछ घर खोद दिया गया, इस बात की सराहना मैं भी करता हूं और प्रदेश की जनता भी इसलिए करती है क्योंकि आप उग्र प्रदर्शन करते हैं तो राजस्व का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, और आप कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। लेकिन जब पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कुछ घंटों में हो जाती है तो ये हमें क्यों नहीं पता चला कि विदेशी पिस्टल के साथ हमारी योगी सरकार को चैलेंज करने वाले वो तीन लड़के, उनका मास्टरमाइंड कौन था, वो हमें क्यों नहीं पता चला कि 3-4 दिन की जांच के अंदर हमें पता चल गया था कि अतीक अहमद की जो जांच हो रही थी, जो पूछताछ हो रही थी वो पुलिस खुद लीक कर रही थी कि हम उगलवा रहे हैं, ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन लड़कों से क्या उगला गया ये अभी तक क्यों नहीं पता चल रहा है, उनका घर क्यों नहीं खोदा गया। सवाल इस बात का भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी हमारा प्रयागराज है, एक बात बस, प्रयागराज स्मार्ट सिटी है, वो लड़के कहां से आए थे, फिजिक
कैमरा फुटेज ये क्यों नहीं बता पाए आप तक? अभी तक वो लड़के गिरफ्त में है, रिमांड पे ले लिए गए, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ रही है। जबकि उन लड़कों के पीछे कोई बड़ी 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 से बड़ी ताकत भी हो सकती है। इस प्रदेश की सुरक्षा का सवाल है, कैसे हम भयमुक्त आम इंसान हो जाएं जब पुलिस अभिरक्षा में इतनी जबरदस्त फायरिंग होती है और नए किस्म के आतंकवादी सामने आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई उस सख्ती से नजर नहीं आ रही है। ठीक है नवीन भाई, पर एक बार मैं आपसे यही कह रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि इतना बड़ा कांड हुआ, अगर ये कांड किसी और सरकार में होता तो बीजेपी रोड पर होती, संघर्ष करती? इतने बड़े हत्याकांड के बावजूद जो विपक्ष है केवल ट्वीट कर रहा है, केवल बयान दे रहा है, क्या इतने बड़े घटनाक्रम के बाद रोड पर आना जरूरी नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर? आपको लगता है कि बीजेपी अगर होती तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाती, जो अब तक विपक्ष नहीं निभा पाया है? आपका आकलन क्या बोलता है? आरएलडी, कांग्रेस, सुभाषपा, तमाम विपक्ष यहाँ मौजूद है, सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष सपा अब तक रोड पर नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्या इन्होंने भी केवल और केवल इसको सुन लिया है, केवल ट्वीट कर दिया है, केवल बयान दे रही है? क्या ट्वीट बयान ही विपक्ष की भूमिका रह गई है? 111 विधायकों के साथ केवल यही व्यवस्था रह गई है जो जनता ने आपको जनाधार दिया था? नवीन भाई, इस पर भी आपका एक मूल्यांकन बहुत जरूरी है, क्या राय है आपकी? जी, ये मुझसे सवाल पूछा है? जी बिल्कुल, आपसे पूछा है, आपका मूल्यांकन क्या है? जी चंचल जी, जी मैंने आपसे पूछा, जी जी नवीन भाई आपसे सवाल पूछा मैंने आपसे। हाँ जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल सही है कि कानून व्यवस्था को अगर इस तरह चैलेंज दिया गया तो विपक्ष को सड़क पे होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तकाजा ये कहता है कि उनको सड़क पे नहीं होना चाहिए। विपक्षी भूमिका ये कहती है, लोकतांत्रिक उनका अधिकार ये कहता है कि कानून व्यवस्था अगर इतनी धराशाही हो रही है कि पुलिस अभिरक्षा में इस तरह हमले हो रहे हैं, इस तरह विदेशी पिस्टल सामने आ रही है, तो जरूर विपक्ष को एकजुट होकर सड़क पे होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स ये कहती है कि समाजवादी पार्टी अगर सड़क पे आएगी, आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी को एक प्रवक्ता के तौर पर आपके टीवी चैनल पे कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह देते हैं कि तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, क्योंकि अतीक मुसलमान था, ये तुम मुसलमान का फेवर कर रहे हो। यहाँ पर सवाल हिंदू मुसलमान की नहीं है, और पॉलिटिक्स का तकाजा ये होता है कि मामले को कैसे डाइवर्ट कर दिया जाए। तो समाजवादी पार्टी भी ये समझती है कि अगर हम इसको सड़क पे लेके आएंगे तो उसका जो प्रतिद्वंदी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये कह देगी कि अतीक के मेहरबानी में, अतीत की हमदर्दी में ये सड़क पे आए हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उसके पास तंत्र है। भाजपा एक बहुत शक्तिशाली पार्टी है, उनकी सरकार है, वो इस बात को दबा देगी कि ये कानून व्यवस्था की रक्षा और सुरक्षा के लिए विपक्षी दल ये कर रहे हैं। वो ये बात अपनी ज्यादा तेजी से उजागर कर देगी कि ये सिर्फ हमदर्दी अतीक की है, क्योंकि अतीक अहमद का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए ये सड़क पर। क्या अतीक कांड की बात है, क्या उमेश पाल और दो पुलिस कर्मियों की हत्या पर विपक्ष नहीं आ सकता रोड पर? वहां तो ध्रुवीकरण बिल्कुल आना चाहिए था, नहीं आया तो कहीं ना कहीं खामी है, बिल्कुल गलती की खामी है कहीं ना कहीं विपक्ष की, और ये खामी जनता खामी है बिल्कुल। अगर वो सड़क पे आ जाते इस बात को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि आज उनको आने की हिम्मत पड़ती, वो भी एक बड़ी हत्या थी और उसमें हमारे सिपाही मारे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, पर सपा, आरएलडी, सुभाषपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी सड़क पर नहीं उतरी। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस की जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तो कांग्रेस पार्टी रोड पर, जंतर मंतर पर, दिल्ली में, प्रत्येक जिले में सत्याग्रह कर रही थी। एक सत्याग्रह कानून के लिए भी कर लेती, पर नहीं, यहाँ पर केवल अपना दर्द होता है तब सत्याग्रह भी होता है, आंदोलन भी होता है। पर अगर दो पुलिसकर्मी निर्दोष मारे गए हैं तो उसके लिए कोई पार्टी आवाज नहीं उठाई, केवल खाना पूर्ति ट्वीट की होती है, बयान की होती है, और तभी व्यवस्था ऐसी वही है कि लोग भूमिका में होते हैं पर काम नहीं करते। जी चंचल भाई, अभी आपको जवाब किसमें, जल्दी बोलिए, फिर चंचल जवाब देंगे। देखिए देखिए गौरव जी, बहुत अच्छा विश्लेषण नावेद जी ने किया जी, लेकिन आज चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर, आपने अभी बीच में एक बात छेड़ी जी और उसको आरएलडी ने इस्तरी करने का प्रयास किया जी। अब आप देखिए जो इनका गठबंधन है, बागपत, बड़ौत, मेरठ, तमाम जगहों पे आमने सामने दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए।
जी, तो ये कौन सी रणनीति है कि भाई आपके पास गलत मूल्यांकन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसके बाद आपके पास गलत मूल्यांकन है। और अगर ठीक है, एक ने पर्चा वापस ले भी लिया, तो क्या जिसने नामांकन कर दिया, जिसने पूरी तैयारी की है, वो आपके दूसरे दल वाले को, वो आप एक दल वाले को टिकट दे देंगे, दूसरा जो पर्चा वापस लेगा क्या वो उसको जीतने देगा? अच्छा, उसको ले जीतने देगा? अच्छा, तो पहली बात तो जो गठबंधन पार्टियों बना रखा है, अच्छा, वो भी एक कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, ऐसी बात नहीं है, आपका भी गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, बिना गठबंधन के आप भी नहीं सरकार में है। आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में आप भी सत्ता में है, लेकिन गठबंधन है आपका छोटे तो दलों से, सिर्फ सवाल और दूसरे के गठबंधन करके लगता है की तरफ उठती है। अच्छा, उंगलियां तो इन्हीं की तरफ उठती है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अरे आप तो जो बीएड किए हुए हैं, जो इंजीनियर है, जो पीजी किए, उनको आप 5 रुपए महीना भत्ता दे रहे थे, बोल रहे थे, 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 और अभी किसानों को जवाब नहीं है। केसी भाई, केसी भाई, केसी भाई, कंकल यालो जवाब दे रहे हैं आपको। जब आएंगे केंद्र सरकार, चलिए ठीक है, केसी भाई, केसी भाई, कंकल यालो जवाब दे रहे हैं आपको। गौरव भाई, हां गौरव भाई, हमारे यहां केसी भाई, कंकल यालो जवाब दे रहे हैं आपको। केसी भाई, अरे कहां लगा था बोलेंगे, अतीक के ऊपर हमला हो गया। चलिए, मुद्दा बना रहे हैं, हमला तो हुआ है ना, बहुत जल्दी चलने वाला, सुन लो आप, अतीक पर तो हमला जुमले वाली है, सुनिए मेरी बात, अतीक की हत्या तो हुई है। केसी भाई सुन लीजिए, सुनिए पहले, व्यवस्था प्रदेश में ध्वस्त हुई है। केसी भाई प्लीज सुन लीजिए। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सुपवा हसे हसे चलनिया हसे, जिसमें 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी के लोग गठबंधन करने की बात बताएंगे। अच्छा, सुन लो भाई, सुन लो आप, भारतीय जनता पार्टी, सुन लो भैया, सुन लो भाई, क्या यार क्या बात कर रहे हो, क्या बैठे हो, चंचल भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले बात। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग 36 पार्टियों का तकरीबन गठबंधन इनका है, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसको इन्होंने धोखा ना दिया हो। लीजिए, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको आप लोगों ने धोखा ना दिया हो। बड़का धोखाबाज पार्टी, दूसरी बात, अरे भाई क्या सरकार थी, अरे मैं सुन रहा था, अरे कैसे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कैसी भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, भैया अभी आपको मौका दूंगा, अभी आपको दूंगा, आप सुन लो, प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आप क्या पूरे बड़े नेता आपके मन की बात करते हैं, सुनते नहीं किसी की, आपकी प्रॉब्लम ये है। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रॉब्लम है, अच्छा, अपने मन की बात लोग बोलते हैं, सवाल का आप बात कर रहे हो, मुझे आप बताओ ऐसी कौन सी पार्टी को आपने धोखा नहीं दिया? करिए, दूसरी बात, आप सवाल में पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि आज के समय में, आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, आप मुद्दा है आपके पास? अरे मुद्दा आपके पास है क्या? जो वादे करके आए थे वादा पूरा हुआ है? एक काम कोई मैंने पूछा, बता दो, लखनऊ के अंदर नहीं बता पाए, एक काम बता दो, कोई प्रजापति को लंबी फहरिस्त है, चिन्मयानंद स्वामी की वीडियो भेजो क्या आपके पास? आप बात करें नतीजा की, जो बिल्किस आपने छोड़ दिया, अच्छे चले चले, ठीक है ठीक है, हो गया भाई, मुझे सबको पता है, कौन कितने पहाड़े हैं सबको पता है, नाम है भाई पता है, मुझे पता है, किसानों को नहीं बोला मैंने, जानकारी है कौन कितना पानी में सबको पता है, क्या विपक्ष की भूमिका है, क्या सत्ता पक्ष की भूमिका है, और रही बात जनता जानते हो शायद, खबर नहीं जानते हैं, 30 सेकंड लूंगा, बोल लीजिए, बोल लीजिए, हमारे और आरएनडी गठबंधन के बारे में आप बड़े मन से बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं दोस्त, कितने आपने धोखे दिए पूरे देश में कई सारी पार्टियों के? अच्छा, आप उनकी हुए क्या? आप मुझे बताओ कि अपना दल को आपने कौन सी सीट दी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? लीजिए, आप मुझे बताइए ना, आपने निषाद पार्टी कौन सी सीट आपने दी? बेचारे वो ताक इधर उधर देख रहे हैं, अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में हो आप?
और हमारे यहाँ आप बगल में ताक झांक कर रहे हो। हमारा गठबंधन एकदम सुनिए, वो एकदम कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सुन लीजिए समाजवादी लोग और आरएलडी के लोग, सुन लीजिए, यहाँ पे गठबंधन धर्म निभाना जानते हम लोग, धोखेबाजी नहीं करना जानते, छासेबाजी नहीं करना जानते हम लोग। दूसरी बात यह है, आप मुझे, आपने सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप मुझे बताओ 400 से 1200 में आपके घर आता है कि नहीं आता है? क्या आपको भाभी जी डांटती है कि नहीं डांटती? बताओ कौन सी पार्टी में काम कर रहा है जिसको 400 सिलेंडर 1200 रुपए कर दिया जी? डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती घर में, मुझे बताओ पहले। दूसरा सवाल ये, कैसे डांट पड़ती है क्या आपको भाभी से? चंचल यादव देखिए, बताइए ना। दूसरी बात मुझे भाई, जाते हो गाड़ी मांगे है कि नहीं मांगे है? उसका जवाब क्या है? आज ऐसा कौन सा परिवार है महाराष्ट्र में जो अपने बच्चे की फीस को लेकर परेशान ना हो? आप मुझे बताइए ना, और आज के समय में बच्चों की तो लड़िए ना, आप लड़ते क्यों नहीं है? और मैं कह रहा हूँ 4 रोड पर आना चाहते नहीं है, संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। डिबेट से नहीं होने वाला है, डिबेट से कुछ नहीं होगा, डिबेट से कुछ नहीं होगा, संघर्ष धरातल पर चाहिए, ठीक है? और रही बात सवाल हिंदुस्तान के अंदर, आप मुझे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव चलाई यात्रा लेके निकले, आप मुझे बताओ किसकी रही? धन्यवाद मुझे यात्रा नहीं करा चंचल यादव। मुझे पता है कि जब पेट्रोल महंगा होता था, सिलेंडर महंगा होता था, तो भाजपा की स्मृति ईरानी प्याज की माला पहनकर और सिलेंडर ऊपर रोड पर बैठी। कितना कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा। नाबिर भाई भी, आप नाबिर भाई आप बड़े पत्रकार है, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाती थी, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका कोई निभाना नहीं चाहता। ट्वीट होता है और केवल नहीं, आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए मुझे, आप बताइए, आप बताइए 2022 में कितने आंदोलन किए? सुनिए, आज के समय में यही हालत है, स्ट्रीम मीडिया के लोग आज कलम पर पहरा है। क्या वो दिखाया जा रहा है? कोई पहरा नहीं है, आप आइए तो रोड पर, आप रोड पर तो आइए। दोनों भाई, हाँ, आप बताओ, ये अभी को अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा था, देखा होगा, अरे भोर भोर में रैलियां हुई है, 4-4 बजे तक यात्राएं हुई है, किस मीडिया ने कवर किया, किस मीडिया ने दिखाया? अभी इनके यहाँ देख लीजिए, अभी इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, बैठे बिरोध सिंह बोले, हो गया हो गया, केसी भाई हो गया, समय कम है, केसी भाई आखिरी 2 मिनट बचा है, प्लीज देखिए, ठीक है केसी भाई, प्लीज केसी भाई, प्लीज देखिए, अपनी सिर्फ राजनीति की राजनीति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान को तार तार करने का काम किया है, अब ये समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी संविधानविदों को इस सरकार की इस मनमर्जी तानाशाही वाली जो कार्यशैली है उस पर रोक लगाया जाए। उत्तर प्रदेश को हम लोग जंगल राज में इस तरीके से तब्दील हुए नहीं देख सकते, और इस जंगल राज पूरे देश को जंगल राज कायम करने की नीयत है और नीति है, उसका कांग्रेस पार्टी खुलकर विरोध करेगी। देश और प्रदेश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा, गौरव इसी पागल मनमर्जी से, तानाशाही से, किसी की विरोध की राजनीति, नहीं हर जगह आपने देखा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने किस प्रकार से इनसे इनसे नैतिक राजनैतिक संवैधानिक लड़ाई आंख में आंख डाल के लड़ने का काम किया है, और इनकी मनमर्जी तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि ये सत्ता में है कि डराने की राजनीति करेंगे, दबाने की राजनीति करेंगे, गोली मारने की राजनीति करेंगे, गाली देने की राजनीति करेंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर इनको तथ्यात्मक रूप से जिम्मेदारी के साथ, प्रमाणिकता के साथ अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम करना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी इनको बार बार विवश करेगी, विवश करेगी, ठीक है। नाबिर भाई आखिरी मूल्यांकन आपका। सबसे आपकी डिबेट में दो महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई, एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो जनता से जुड़ा हुआ मामला, उस पर बहस हुई, अच्छी बात है, इसमें खूब बहस होना चाहिए, जनता से जुड़ा। दूसरा जनता से जुड़ा हुआ एक गैस सिलेंडर की बात जब हुई, ये भी बहुत दिलचस्प बात है, इसमें स्मृति ईरानी जी की स्मृति याद आ गई, जिसमें हम सब लोग कहते हैं और विपक्षी मजाक भी उड़ाते हैं और तंज भी करते हैं कि साहब जब वो विपक्ष में थी तो गैस का सिलेंडर लेके निकल आई थी, और आज जब सरकार में हुई तो गैस इतनी महंगी हो गई, वादा ये था कि हम यही बहुत महंगी हम सब करेंगे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल नकारात्मकता सामने आती है। स्मृति ईरानी की वो वादा खिलाफी याद आती है कि आपने कमिटमेंट किया था कि गैस
कि दाम बढ़ा है मैं घटाऊंगी, लेकिन अब सरकार आई, लेकिन उसके पीछे स्मृति ईरानी और भाजपा कार्यकर्ताओं की कर्मठता भी नजर आती है कि यानी जब वो विपक्ष में थी तो सिलेंडर लेकर थी, वो नेत्री थी, निकल आई थी। आज की तारीख में चंचल यादव जी बहुत अच्छी बात है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे, लेकिन उनके नेताओं को यह सोचना चाहिए कि आज सबसे बड़ा संकट महंगाई का और गैस सिलेंडर के महंगे होने का है। अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी कंधे पर सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी की तरह निकल आए, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा कैडर है कि लाखों लोग, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, आपके सपा के, जनता उनके पीछे आ जाएगी और हम आप मीडिया के लोग उसको खूब दिखाएंगे। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, सड़क पर उतरे और जनहित के लिए, जनता के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की खाली ट्वीट करना या खाली प्रवक्ताओं का कहना, इससे काम नहीं चलेगा। और स्मृति ईरानी से ये प्रेरणा ले। दूसरी बात, बस 10 सेकंड में बात कह देंगे, थोड़ी दिलचस्प बात है, मजाक की बात है, बार बार चंचल जी जो है वो हमारे भाजपा के साथी जैन साहब कह रहे हैं कि भाई आपकी मिसेज जो है, बाबी जी जो है, वो आपको डांटती नहीं है कि इतना महंगा हो गया है। चंचल जी को देना चाहूंगा कि वो नहीं डांटेंगे, क्योंकि जैन साहब सत्तारूढ़ पार्टी से हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी से होता है ना, उसके लिए 1200-1400 नहीं, 12000 का भी अगर गैस मिलेगा तो वो ले लेंगे। परेशानी हमें, आपको और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को है, भाजपा के लोगों को क्यों होगी, वो क्यों चिंता करेंगे ना, आपका जवाब देंगे, क्योंकि 1200 रुपए उनके लिए नहीं हुए, क्योंकि उनकी सत्ता है। ठीक है, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बहस रही बड़ी सकारात्मक रही और तमाम चीजें सामने निकल के आई। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतनी छोटी बहस में तमाम मुद्दे निकल के आना और आखिरी में नाबेद सुखो बड़ी पत्रिका का जैसे मूल्यांकन करना स्पष्ट करता है कि अगर चर्चा छोटी हो या बड़ी हो और चर्चा सकारात्मक होती है और तथ्य निकल के आते हैं तो चर्चा हमेशा परिणाम के साथ सामने आती है। परिणाम यहाँ पर निकाय चुनाव का भी 13 मई को आ जाएगा, पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज चर्चा का विषय बिंदु भी रहा कि अगर वास्तव में यहाँ पर कानून व्यवस्था पर बवाल हो रहा है, कानून व्यवस्था कमजोर है, कानून व्यवस्था पर यहाँ पर पिस्ट नजर लग रहा है, तो वहाँ पर विपक्ष की भूमिका भी यहाँ पर आक्रोशित होनी चाहिए। विपक्ष सपा जिसका आधार ही संघर्ष था, जिसका आधार ही आंदोलन था, अगर वो केवल ट्वीट और केवल बाइट देगी, बयान देगी, उनके रास्ते केवल बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी विश्वासघात है। जनता ने आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है तो समय मत लगाइए, अब रोड पर आइए। अगर वास्तव में आपको लगता है कि जनता के साथ धोखा हो रहा है और सत्ता पे आसीन बीजेपी यहाँ पर शोषण कर रही है तो उसके लिए आपको आवाज उठाने सड़क पर आना पड़ेगा। केवल ट्वीट और केवल बयान से अब काम नहीं चलने वाला है। अगर वास्तव में आपको लगता है कि हमको लड़ना है तो सड़क पर लड़िए, क्योंकि इतिहास यही बताता आ रहा है कि जब संघर्ष धरातल पर हुआ है तभी परिणाम आए हैं, अन्यथा जो परंपरा है वो चलती रहती है। कांग्रेस से भी सबक लीजिए, पर कांग्रेस जिस तरह से अभी हाल में ही सत्याग्रह किया था, शायद एक सत्याग्रह हमको कानून व्यवस्था पर या एक सत्याग्रह हमको महंगाई पर भी मिल जाए तो शायद यहाँ पर जनता को इजाजत भी मिलेगी और विपक्ष की भूमिका भी यहाँ पर सामने आएगी, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती सत्ता पक्ष में भी है तो विपक्ष में भी है, इसलिए संघर्ष करते रहिए और चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।